नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान, बिहार में 8000 टीमें लगाएंगी वैक्सीन। छठ के मौके पर बदल जाएगी पटना की ट्रैफिक, आगे जान लीजिए पूरा रूट। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के पास कर्मियों की भारी कमी, एनएचएम की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। बिहार में अब जीविका दीदी चलाएंगी मार्ट, नीतीश सरकार रूरल मार्ट खोलने की तैयारी में। बिहार में सुधा बूथ खोलने का सुनहरा मौका, केवल 5 लाख लगाकर हर महीने कमाए लाखों रुपए। IOCL में 527 पदों पर निकली बहाली, 4 दिसंबर है लास्ट डेट। दिवाली के बाद पटना की हवा भी खराब, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया वायु प्रदूषण। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत बचे हुए लोगों को टीका लगाने पंचायतों में 8246 मोटरसाइकिल टीमें जाएंगी। इस अभियान के लिए 604 पहिया मोबाइल टीकाकरण वाहन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलों के DM और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि रविवार को होने वाले कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत कम टीकाकरण वाली पंचायतों में लोगों को टीकाकृत करें। उन्होंने इसके लिए स्थानीय स्तर पर माइक्रो स्तर पर योजना बनाकर टीकाकरण कार्य करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों के DM, सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें इन्होंने कोरोना टीकाकरण के विशेष अभियान को लेकर की गई तैयारियों की सराहना की और टीका से वंचित लोगों को टीकाकृत करने की आवश्यकता जताई। आज से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाट पर आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। छठ पूजा के दिन यानी कि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और 11 नवंबर की रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक शहर के प्रमुख सड़कों पर यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा पटना जिले में बड़े वाहनों का प्रवेश 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से 11 नवंबर को सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ छठ व्रतियों, अग्निशमन, एम्बुलेंस और शवदाह वाले वाहन ही आ जा सकेंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भारी कमी हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में ओवरऑल 53.21% का गैप है। इसका मतलब यह है कि विभाग में जितने लोगों की जरूरत है उसमें 53.21% कम लोग काम कर रहे हैं। इस मामले में बिहार फिलहाल टॉप पर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में इतना ज्यादा गैप किसी और राज्य में नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, यहाँ 51.29% का गैप है, जबकि झारखंड 51.13% के साथ तीसरे स्थान पर है। बिहार की बात की जाए तो यहाँ स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर तथा स्पेशलिस्ट IPCH नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। सबसे अधिक 77.79% गैप लैब टेक्नीशियन तथा 71.68% गैप फार्मासिस्ट में है। यानी जरूरत के हिसाब से बिहार में पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। निचले स्तर पर महिला सशक्तिकरण की तस्वीर पेश करने वाली जीविका दीदियों को अब सरकार मार्ट चलाने की जिम्मेदारी देने वाली है। सरकार जीविका दीदियों के लिए और ज्यादा रूरल मार्ट खोले जाने की तैयारी में है। बिहार में राशन दुकान चलाने में सहयोग करने वाली जीविका दीदियों को अब रूरल मार्ट के जरिए अन्य सामग्री बेचने का अवसर मुहैया कराया जाएगा। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के मुताबिक रूरल मार्ट से गांव में राशन दुकान चलाने वाली जीविका दीदियों को काफी मदद मिलेगी। रूरल मार्ट का संचालन जीविका दीदियों के जरिए ही किया जाएगा। अभी तक राज्य में 61 रूरल मार्ट चलाए जा रहे हैं और आगे इसे कुल 534 प्रखंडों में चलाए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। जानकारी के मुताबिक रूरल मार्ट के लिए न्यूनतम 25 जीविका सदस्यों का समूह बनाना होता है और इस समूह को 16 लाख रुपए लोन मुहैया कराया जाता है। इसी लोन के जरिए गांव में राशन दुकान के तौर पर रूरल मार्ट का संचालन होता है।
बिहार के लोगों के लिए पैसे कमाने का शानदार मौका है। लोग अब हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने सुधा डेयरी प्रोजेक्ट को एक बार फिर रफ्तार देने की पहल की है। सरकार ने राज्य के हर कोने में सुधा के दूध और अन्य उत्पादों की बिक्री करने के मकसद से बूथों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक बिहार के सभी नगर निकाय और 534 प्रखंडों में अब सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार ने कॉम्फेड के माध्यम से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए कुछ महीने पहले ही जमीन उपलब्ध कराने का लेटर जारी किया था। इस लिहाज से देखा जाए तो अगले 4 सालों में बिहार में 600 सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। माना जा रहा है कि एक बूथ पर आमतौर पर 5 या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। हर महीने एक बूथ से लाखों की कमाई होती है। इसके जरिए आप खुद बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपये भी कमा सकते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और 4 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार IOCL.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 नवंबर को इससे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आवेदन 4 दिसंबर तक ही किया जा सकेगा। 9 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। ग्रेड अप्रेंटिस के लिए NCVT या SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित पूर्णकालिक ITI पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दिवाली की रात पटना में जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली थी। इस आतिशबाजी का असर अब पटना की हवा पर दिखने लगा है। पटना में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद जहरीले लेवल पर पहुंच चुका है। साल 2015 के बाद राजधानी पटना में सबसे ज्यादा आतिशबाजी इस साल देखने को मिली। नतीजा सामने है, पटना की हवा भी खराब हो चुकी है। पटना के अलावे मुजफ्फरपुर और अन्य दूसरे शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और NGT के एडवाइजरी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेकर जिला प्रशासन तक इस तरफ से की गई तमाम कवायद बेकार साबित हुई। पटना वासियों ने पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा आतिशबाजी की है। साल 2015 के बाद सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। नतीजा यह हुआ कि हवा में मोटे धूलकण की तादाद प्रति घन मीटर 1688 माइक्रोग्राम तक जा पहुंची है, जबकि इससे पहले हवा में इसका असर 1134 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। महापर्व छठ पर पूरे प्रदेश में पारा सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं। खासतौर पर अगले 72 घंटे में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी बिहार में असरदार ठंड और उत्तरी बिहार में सुबह के समय अच्छी खासी ठंड महसूस होने के मौसमी परिदृश्य बन रहा है। दरअसल प्रदेश में पछिया और उत्तरी पछिया हवा 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ऐसा लगातार जारी रहेगा। ऐसे में छठ पर्व के व्रतियों को खासतौर पर सुबह ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहना पड़ सकता है। मुंगेर रेल सह सड़क पुल लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगले माह इस पुल पर गाड़ियां चलने लगेंगी। लगभग 18 साल के लंबे इंतजार के बाद इस पुल का सपना साकार हो रहा है। मुंगेर घाट पर 14.51 किलोमीटर लंबे 2 लेन रेल सह सड़क पुल का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। वर्षों से अटके रहने के कारण इसकी लागत करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। पहले लागत करीब 921 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर करीब 2774 करोड़ रुपए हो गई है। इस महासेतु के निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए नया सेतु उपलब्ध होगा, जिससे इस क्षेत्र में विकास की नई धारा बहेगी। मोकामा से राजेंद्र सेतु और पटना से JP सेतु के बाद राज्य में गंगा नदी पर यह तीसरा रेल सह सड़क पुल होगा। मिली जानकारी के अनुसार इस पुल का लोकार्पण 25 दिसंबर 2021 को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किया जाएगा और इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इस गंगा रेल सह सड़क परियोजना के बन जाने से बेगूसराय और खगड़िया की दूरी मुंगेर से काफी कम रह जाएगी। मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय का सफर कुछ मिनटों में तय हो सकेगा। इससे मुंगेर के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। गरीबों के मदद के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का जानकारी नहीं होने के कारण
जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने की पहल औरंगाबाद में की गई है। औरंगाबाद में किन्नरों को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब किन्नर ही मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किन्नरों को यह जिम्मेवारी औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।